हाँ गाइस, और एक और बात गाइस, सबसे पहले आपको जो है आउटलाइन करना आना चाहिए, तभी आप जो है मतलब। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस आज इस वीडियो में मैं जो है कवर करूँगा ये ज्वेलरी वाला पोर्शन। पिछले वाली वीडियो में मैंने जो है यहाँ पर माता रानी का जो है ज्वेलरी, जो नेक में जो ज्वेलरी है उसको कम्प्लीट किया था। अभी जितना भी यहाँ पर वो रिमेनिंग पोर्शन है उसको पूरा कम्प्लीट करेंगे। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लेना जाके। और अभी हम जो है कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं जो है पहले जो है यहाँ पर स्केच की एंडिंग है वहाँ पर मैं पहले जो है टेप लगा देता हूँ, जिससे हमारी जो लेड है पेंसिल की वो फैले ना, इसलिए मैं यहाँ पर जो है टेपिंग का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो है मेरा टेप जो है येलो येलो हो गया है, बिकॉज़ यहाँ पर मैंने जो है येलो कलर की जो है मतलब इरेजर का यूज़ किया था, जिससे मतलब मैं जो है पेपर मतलब जब भी उसको रिमूव करते हैं ना ये टेप को, तो मतलब वो पेपर भी उसके साथ आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इरेजर का यूज़ किया था, इसलिए मेरे जो यहाँ पर वो टेप है ना जो येलो येलो हो गया है। अभी वीडियो में देखो, कॉर्नर में देखो, यहाँ पर मैं जो पहले वो फ्लावर है जो वहाँ पर मैंने पहले आउटलाइन किया, एंड देन फिर उसको 7 पेंसिल से उसको अच्छे से डार्कनेस दी थी। यहाँ पर फिर मैंने जो है पेंसिल फिर से 7 भी पेंसिल का यूज़ किया, और कुछ जगह पर मतलब मैंने हाईलाइट देने के लिए यहाँ पर मोनो जीरो इरेजर का यूज़ किया है, और थोड़ा बहुत जो है नीडेड इरेजर का भी यूज़ किया है। एंड देन अभी हम जो है ऊपर वाले फ्लावर पे आते हैं। ऊपर वाले फ्लावर में मैंने यही सेम पहले फेबी पेंसिल का यूज़ किया, एंड देन उसको फिर अच्छे से ब्लेंडिंग किया, एंड देन फिर उसको हाईलाइट देने के लिए यहाँ पर मैंने जो है मोनो जीरो इरेजर का और नीडेड इरेजर का यूज़ किया है। यहाँ पर जो ज्वेलरी वाला पोर्शन देखा कैसे गाइस, मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। गाइस आप जब भी ज्वेलरी वाला पोर्शन को जब भी कंप्लीट करो तो ये बात का ध्यान रखो, जब भी आप जो है कंप्लीट करो तो आप जो है पहले फोटो को अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो अच्छे से, और जो मतलब जिस डायरेक्शन में भी जो भी यहाँ पर जो है हाईलाइट जा रहा है या फिर जो भी डार्कनेस जा रहा है, शेडोज जा रहा है, उसको अच्छे से फोटो को देखो, एंड देन फिर उसको यहाँ पर जो है अपने पेपर में अप्लाई करो। यही कुछ वो मेथड होता है जो मतलब रियलिस्टिक आप जो है मतलब ज्वेलरी को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर किसी भी मतलब स्केच को जो है यहाँ पर जो टेक्सचर देना है अगर तो टेक्सचर को ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन ज्वेलरी देना है तो ज्वेलरी को भी यहाँ पर रियलिस्टिक जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं हाँ गाइस, और एक और बात गाइस, सबसे पहले आपको जो है आउटलाइन करना आना चाहिए, तभी आप जो है मतलब किसी भी पोर्ट्रेट को या फिर जो भी मतलब वो है स्केच को मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, पहले आप जो है आउटलाइन करना सीखो, एंड देन जो है मतलब यहाँ पर जो है स्केच को ड्रॉ करो। और हाँ, यही कुछ बात थी जो मतलब मेरे को बतानी थी। अभी ना हम यहाँ पर ज्वेलरी वाले पोर्शन को भी कंप्लीट करते हैं। अभी देखो गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, इसलिए यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी फ्लावर के नीचे मतलब जो भी डार्कनेस थी यहाँ पर जो भी, तो मैंने वहाँ पर डायरेक्ट जो है 8B पेंसिल का यूज़ किया, और जो डार्कनेस देने के लिए वहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो है 8B पेंसिल का पेंसिल का यूज़ किया। एंड देखो गाइस, जो है डार्कनेस आ रही है हमारी जो 8B पेंसिल का यूज़ करके आ रही है, जो कि गाइस जब तक हमारा ज्वेलरी वाला पोर्शन कम्प्लीट होता है। अब जो है अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने आर्टिस्ट दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उनको पता चल सके कि मतलब ज्वेलरी को जो है रियलिस्टिक ज्वेलरी को कैसे हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस मैं आपके लिए इतने मस्त मस्त ट्यूटोरियल वीडियो ला रहा हूँ, इतने वीडियो मतलब मेहनत करके जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गाइस मुझे मतलब लाइक्स वगैरह सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं, गाइस प्लीज़ सपोर्ट दो अपना, और जो है मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इतने मेहनत से मतलब मैं कोई बंदा रिकॉर्ड कर रहा है और आपके लिए मतलब ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा है, तो गाइस प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जय माता दी ट्यूटोरियल लिखना। नाउ गाइस आप यही सोच रहे हो कि जो हमने पिछले 2 मिनट वीडियो में देखा था वहाँ पर वो ज़्यादा डार्कनेस थी, और यहाँ पर देखो मतलब जो डार्कनेस नहीं मीडियम है। तो गाइस ये जो है मतलब मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा लो कर दी थी, यहाँ पर थोड़ी सी मीडियम में है, तो बस यही कुछ फ़र्क है जो मतलब यहाँ पर जो वीडियो में दिख रहा है ना। यहाँ पर से गाइस जो वीडियो को देखना शायद यहाँ पर से कुछ समझ आया आपको, जो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ज्वेलरी में जो मतलब कैसे जो ड्रॉ करना है। तो गाइस मैंने पहले यहाँ पर जो है आउटलाइन की, एंड आउटलाइन करने के बाद यहाँ पर जो है मतलब मैं लेयरिंग मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है पहले मैंने लेयरिंग करने के लिए यहाँ पर 2 पेंसिल का यूज़ किया, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड किया ब्लेंडिंग ब्रश से, एंड फिर यहाँ पर मैं जो है डायरेक्ट जो है जितनी डार्कनेस थी ना यहाँ पर, इसलिए मैंने उसको जो है 7 पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पर डार्कनेस दे दी। अभी ना मैंने यहाँ पर जो है जो भी डार्कनेस दी थी उसको मैंने अच्छे से जो है ब्लेंडिंग ब्रश से उसको ब्लेंड कर दिया। अभी ना देखो यहाँ पर जो मतलब ज्वेलरी वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो मैंने जहाँ पर भी डार्कनेस थी थोड़ी सी डार्कनेस थी 2 पेंसिल के यूज़ करके, एंड देन फिर मैं उसको जो है नीडेड इरेजर से उसको जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। तो अब देखो गाइस यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मतलब ज्वेलरी है मतलब क्या लग रही है, यहाँ पर जो है हाईलाइट हो रही है ना मतलब जो, तो वही है मतलब मैं इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ आपको कि मतलब जो है इसी तरीके से आप जो है
किसी भी ज्वेलरी को मतलब जो है ड्रॉ कर सकते हैं और जो मतलब रियलिस्टिक जो है काम कर सकते हैं। तो बस यही कुछ बात थी। अभी गाइस जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं ये वाला पोर्शन, और आ गाइस आज ही हमारा जो है पूरा यहाँ पर जो है नीचे वाला जो है पोर्शन जो है कम्प्लीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वाली वीडियो जो है थोड़ी सी लेट आएगी क्योंकि उस वीडियो में जो है पूरा स्केच को जो है कम्प्लीट करूँगा, और जो मतलब जो क्राउन है ना, जो मतलब यहाँ पर जो क्राउन जो भी ताज बोलते हैं माता रानी के, तो मतलब उसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, और वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी तो उसके लिए सॉरी। तो हाँ गाइस, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो कुछ यही कुछ बातें थी जो है मतलब इस वीडियो में बता रहा था मैं आपको, जो मतलब रियलिस्टिक जो है मतलब यहाँ पर जो ज्वेलरी को ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो है मतलब कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द इसकी एक और नई वीडियो के साथ।